यूपी के बलिया में सुबह बड़ा हादसा हुआ जब स्कूली बच्चों से भरी पिकअप सड़क किनारे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जिसमें से 3 छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें वाराणसी में BHU में रेफर किया गया है। दरअसल ये हादसा फेफना थाना के कपूरी के पास NH 31 पर हुआ है, जहां नरही से सुबह शहर की तरफ एक खाली पिकअप जा रही थी, जिसमें फेफना तिराहे पर माल्यपुर स्थित एक स्कूल के कई बच्चे पिकअप पर सवार हो गए। मना करने के बावजूद बच्चे उतरने को तैयार नहीं हुए, जिसे पिकअप अनियंत्रित होने लगी और फेफना कस्बा और एक पेट्रोल पंप के बीच सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से पिकअप टकरा गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। चालक भी काफी देर तक पिकअप में फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने चालक को केबिन काट कर निकाला। वहीं इस हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। DM प्रवीण कुमार खुद अस्पताल पहुंचकर घायल छात्रों का हाल जाना। आज एक दुखद घटना हुई है सुबह, और थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का यह मामला है और एक नागा स्कूल है तो उसमें वहां पे बच्चे जाते थे, तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15-20 बच्चे बैठ गए और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जा करके टकरा गई। और यहाँ पर उनसे सभी को लाया गया अस्पताल और सुविधाएँ दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पर ब्रोड डेड लाया गया। 3-4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफर किया गया है, बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है और हम बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो 20 घटना के दोषी हैं उनकी जांच करा करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस घटना के बाद मृतक और घायल छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में लापरवाही किसकी थी, पुलिस उसकी जांच में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी TV के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।